में आपका स्वागत है और रामगढ़ की साप्ताहिक की डायरी लेकर मैं दुर्वेद इस समय आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। इस सप्ताह जो रामगढ़ जिले में जो खबरें सुर्खियों में रही वो इस प्रकार है। रामगढ़ पुलिस ने बिहार के सारण जिला के सोनपुर क्षेत्र के मुखिया भाई की हत्या के मुख्य आरोपी सुनील राय सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर बिहार पुलिस को सौंप दिया। मानव तस्करी में संलिप्त युवती व युवक को आरपीएफ बरकाकाना ने हिरासत में लिया और वहीं 4 लड़कियों को बचाकर कामडारा थाना पुलिस के हवाले किया। माछिन्न मस्तिका रजरप्पा मंदिर को खुलवाने की मांग को लेकर भाजपा नेता राजू जायसवाल ने लगभग 80 किलोमीटर की पदयात्रा किया और रजरप्पा मंदिर से रांची राजभवन तक पदयात्रा करते हुए महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की और मंदिर खुलवाने की मांग की। रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बिरसा हरित क्रांति योजना को बढ़ावा देने के लिए पौधरोपण कार्यक्रम की शुरुआत किया। इस अवसर पर उन्होंने खुद भी पौधे रोपण किया। बढ़ती महंगाई को लेकर आरजेडी ने प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वीडियो को ज्ञापन सौंपा। गोला और दुलमी प्रखंड में इन दिनों हाथियों के आतंक से किसान परेशान है। वहीं ग्रामीणों में भी भय का माहौल है। हाथियों ने कई खेतों में लगे फसलों को नष्ट कर दिया, वहीं कई घरों को भी क्षतिग्रस्त किया है। पीटीपीएस के 4 फाटक खुलने से दामोदर नदी उफान में रही। 2 दिनों की बारिश के बाद रजरप्पा मंदिर स्थित दामोदर और भैरवी नदी में भी जलस्तर बढ़ा, जिससे रजरप्पा मंदिर परिसर की कई दुकानें जलमग्न हो गई। दुकानदारों को कई सामानों से भी नुकसान का सामना करना पड़ा। आप देखते रहिए लगातार .in, हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।